हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री का मुगल एंड हिल स्टेट का पार्ट वन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले वाले पार्ट्स देखे होंगे जो कि निशान सर ने आपको पढ़ाए थे। सो आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से जो मुगल्स हैं उन्होंने हिल स्टेट को ऑक्यूपाई किया था या उनके बीच में कौन कौन से रिवोल्ट हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1570 की। ठीक है, 1570 AD की, जिसका जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली अकबर एंड कांगड़ा को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1570 में जो कांगड़ा के राजा थे आपके, वो कौन थे आपके? जयचंद। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो 1570 में कांगड़ा के राजा कौन थे? जयचंद। और बुलेर के राजा थे उस टाइम पे रामचंद। और जो दिल्ली में बैठे थे आपके अकबर। ठीक है, इससे पहले जो हमारे कांगड़ा के राजा थे वो थे धर्मचंद। अब क्या होता है 1570 में जो कांगड़ा के राजा जयचंद है, ठीक है, उनको जो गुलेर के राजा है आपके रामचंद, वो क्या करते हैं? दिल्ली लेकर जाते हैं और वहां पर अकबर के द्वारा जो जयचंद है उनको बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो जयचंद है, जयचंद को अकबर के द्वारा बंदी बना दिया जाता है और उनकी हेल्प कौन करता है आपका? गुलेर का राजा रामचंद। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब जो जयचंद का जो बेटा है वो है विधिचंद। ठीक है, अब जो विधिचंद है, विधिचंद को क्या लगेगा कि जो उनके फादर है, ठीक है, जयचंद, उनको अकबर ने मार डाला है, तो जो विधिचंद है वही फिर राजा बन जाते हैं। ठीक है, फिर 1572 में जो विधिचंद है वो कांगड़ा के राजा बनते हैं और दिल्ली में कौन है? अकबर। अब विधिचंद क्या करेगा, अपने फादर की डेथ का ये सोच के कि उनके फादर को मार डाला है, उसका बदला लेने के लिए रिवोल्ट करता है 1572 में। ठीक है, तो 1572 में जो रिवोल्ट करेगा विधिचंद, ठीक है, उसको सुप्रेस करने के लिए जो अकबर अपनी सेना भेजेगा, किसके अंडर भेजेगा? खान जहान हुसैन कुली खान के अंडर। तो जो ये नेम है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, जो इसकी डेट है कि फर्स्ट टाइम कब विधिचंद ने रिवोल्ट करा था अकबर के खिलाफ, तो 1572 में। ठीक है, जब विधिचंद को लगा कि उसके फादर को मार डाला है, तो 1572 में वो अकबर के खिलाफ रिवोल्ट करता है और अकबर उस रिवोल्ट को सुप्रेस करने के लिए खान जहान हुसैन कुली खान को भेजता है। ठीक है, और ये जो लोग होते हैं ये कहाँ कौन सी तरफ से आते हैं? पठानकोट एंड धमेरी। तो जो ये पॉइंट्स हैं ये हमें अपने प्रीलिम्स के लिए भी याद रखने हैं, और जो ये टॉपिक है हमारा मुगल्स का एंड हिल स्टेट का, ये हमारा मेंस में भी है, तो हो सकता है कि अकबर से रिलेटेड मेंस में भी हमारे से पूछा जाए, तो फैक्ट्स तो आपको वहां पर भी मैंशन करने होंगे। ठीक है, अब एक और जो पॉइंट है कि जो नूरपुर का राजा भगतमल, ठीक है, जो नूरपुर का राजा था भगतमल ने सिकंदर शाह को सपोर्ट करा था 1556 AD में, जब मुगल्स और सुर के बीच में रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब अकबर जो खान जहान हुसैन कुली खान है, जब ये लोग कांगड़ा की तरफ आ रहे होते हैं, कांगड़ा जो फोर्ट है, ठीक है, उसको कैप्चर करना चाहते हैं, तो बीच में जो इनको जो नूरपुर है, नूरपुर के राजा जो भगतमल थे, उनको क्या करते हैं ये एग्जीक्यूट करके, वहां पे मानकोट फोर्ट है, वहां पे जो भगतमल है वो सरेंडर कर देता है और उनको एग्जीक्यूट किया जाता है बैरम खान के द्वारा, और कहाँ ले गया जाता है? लाहौर उनको ले जाया जाता है, जहां पर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा बहुत बार प्रीलियम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, क्योंकि भगतमल ने क्या किया था, भगतमल ने जब मुगल्स और सिकंदर शाह के बीच में रिवोल्ट हुआ था तो उन्होंने किसको सपोर्ट किया था? उन्होंने सिकंदर शाह को सपोर्ट किया था। ठीक है, इसीलिए भगतमल को एग्जीक्यूट करके लाहौर ले जाया जाता है बैरम खान के द्वारा। ठीक है, सो ये पॉइंट्स है कुछ जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो है, जो कोटला फोर्ट है, देखो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कोटला फोर्ट था वो ओरिजिनली किसका था? गुलेर के राजा का था, ठीक है, राजा रामचंद का था, बट उसको ऑक्यूपाई कर लिया था किसने? कांगड़ा के राजा और नूरपुर के राजा ने। अब हमने पहले देखा कि जो गुलेर का राजा है वो किसका सपोर्टर है? वो तो अकबर का सपोर्टर है। ठीक है, तो जब ये लोग रिवोल्ट कर रहे थे, जब जो भी मुगल सेना थी, जब नगरकोट फोर्ट को जीतने के लिए आई थी, तो जो कोटला फोर्ट है वो उन्होंने किससे छीन लिया? कांगड़ा और नूरपुर के राजाओं से उसको
जीत लिया और किसको दे दिया, गुलेर के राजा का, गुलेर के राजा को, ठीक है। सो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कोटला फोर्ट ओरिजिनली वो रामचंद से ही बिलोंग करता था, गुलेर के राजा रामचंद से ही बिलोंग करता था, बट उसको जब कभी जो छोटे छोटे राजाओं के बीच में जो लड़ाइयाँ होती थी तो वो जो फोर्ट है ये किसने ऑक्यूपाई कर लिया था, कांगड़ा और नूरपुर के राजा ने, बट बाद में मुगलों की हेल्प से वो किसको वापस मिल गया, गुलेर के राजा रामचंद को, क्योंकि जो रामचंद है वो अकबर के साथ उसके फ्रेंडली रिलेशन थे, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट टोडरमल। अब जो टोडरमल है, देखो उसके बाद ऐसा माना जाता है कि जो जयचंद है उनको अकबर ने नहीं मारा था, थोड़े टाइम के बाद अकबर उन्हें वापस कांगड़ा भेज देता है और उनके उसके बाद जो टोडरमल है वो आपके कांगड़ा आते हैं और क्या होता है जो 66 विलेजेस है, ठीक है, और रिहलू एरिया है चंबा का, ठीक है, वो किसको दे दिया जाता है, बीरबल को एज अ जागीर, ठीक है। जब फर्स्ट 1572 में, जो 1572 में जब अकबर ने कुली खान के अंडर भेजा था अपनी सेना को, तो जो एरिया उन्होंने जीता था, जो भी कांगड़ा को एज अ जागीर किसको दिया था, बीरबल को दिया था, उसके साथ साथ जो 66 विलेजेस ऑफ कांगड़ा और रेहलू एरिया को भी किसको दे दिया था, बीरबल को। तो बहुत सारी बुक्स में यहाँ पर 60 भी है बट मैक्सिमम में आपको 66 विलेजेस ही देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये वाला भी अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विधि चंद ने, देखो 1572 में फर्स्ट रिवोल्ट करा और फिर 1589 में विधि चंद ने अगेन रिवोल्ट करा अकबर के खिलाफ। अब जब इस टाइम पे अकबर ने किसको भेजा था उस रिवोल्ट को सुप्रेस करने के लिए, जैन खान कोका को, ठीक है, पहले भेजा था कुली खान को और सेकेंड टाइम जब 1589 में विधि चंद फिर से रिवोल्ट करता है अकबर के खिलाफ तो वो किसको भेज रहा है, जैन खान कोका को, ठीक है। अब इस बार अकबर क्या करेगा, क्या करता है, उसको लगता है कि विधि चंद अगेन एंड अगेन रिवोल्ट करे जा रहा है, तो वो जो विधि चंद का जो सन है त्रिलोक चंद, उसको कहाँ ले जाएगा, एज अ होस्टेज मुगल कोर्ट में, ठीक है, कि जिससे कि विधि चंद फिर से रिवोल्ट ना करे, ठीक है। तो विधि चंद का जो बेटा था त्रिलोक चंद, अकबर उसको एज अ होस्टेज ले गया था अपने पास, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं 1594-95 AD, ठीक है, इस टाइम पे भी अकबर के खिलाफ जो हिल चीफ्स है, ठीक है, जो हिल चीफ्स है वो रिवोल्ट करते हैं, बट जिसका इस टाइम पे जो लीडर है वो है राजा ऑफ जसरोटा। इस टाइम पे विधि चंद और नूरपुर के जो राजा है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि जो विधि चंद का जो सन है त्रिलोक चंद वो मुगल कोर्ट में एज अ होस्टेज है और जो नूरपुर का राजा है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो नूरपुर का राजा भगतमल था, भगतमल को क्या कर लिया था, लाहौर जाके उनको एग्जीक्यूट किया था, तो उसके डर से जो नूरपुर का राजा है वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब 1954-55 में रिवोल्ट होता है अकबर के खिलाफ, उस टाइम पे ये जो दो राजास है ये आपके उस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट ये किसके द्वारा किया जाता है, हिल स्टेट के द्वारा और राजा ऑफ जसरोटा के द्वारा। अब इस रिवोल्ट को सुप्रेस करने के लिए जो अकबर है वो किसको भेजता है, मिर्जा रुस्तम खंदारी और शेख फरीद को, ठीक है। तो हमने क्या देखा आज, कि हमने एक देखा 1572 AD में विधि चंद ने रिवोल्ट करा था अकबर के खिलाफ, ठीक है, उसको सुप्रेस करने के लिए अकबर ने किसको भेजा, कुली खां को, शॉर्ट नेम उनका कुली खां के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड 1588-89 में भी अगेन विधि चंद क्या करता है, रिवोल्ट करता है, ठीक है, तो अकबर किसको भेजता है उस रिवोल्ट को सुप्रेस करने के लिए, जैन खान कोका को, ठीक है, और त्रिलोक चंद को एज अ होस्टेज वो मुगल कोर्ट ले जाता है। और फिर जो 1594-95 में होता है रिवोल्ट, उसमें विधि चंद और नूरपुर के राजा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसको हिल स्टेट और जो लीडर होते हैं वो होते हैं राजा ऑफ जसरोटा और इसको सुप्रेस करते हैं मिर्जा रुस्तम कंदारी एंड शेख फरीद, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमने 1572 का जो रिवोल्ट पढ़ा था वहां पे ऐसा माना जाता है कि जो कांगड़ा फोर्ट को जो मुगल सेना है वो कैप्चर करने ही वाली थी, बट बीच में क्या होता है, जो मिर्जा ब्रदर्स होते हैं वो पंजाब में रिवोल्ट कर देते हैं, जिसके कारण कि जो कुली खान है उनको वापस आना पड़ता है, तो नगरकोट फोर्ट आपका
नहीं मुगल्स के अंदर आता है, ठीक है। तो कुछ और भी स्टोरीज है, जब आप बुक्स पढ़ोगे वहां पे और भी आपको स्टोरीज पढ़ने को मिलेगी, बट ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं, ठीक है। सो अब आज के जो होमवर्क क्वेश्चन, दो होमवर्क क्वेश्चन है, इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। फर्स्ट है, इन 1588-89 विच किंग ऑफ कांगड़ा ऑर्गेनाइज्ड ऑल द हिल चीफ फ्रॉम जम्मू टू कांगड़ा अगेंस्ट अकबर, विधिचंद, जयचंद, त्रिलोकचंद या फिर धर्मचंद, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सेकंड क्वेश्चन है, टू होम डिड द मुगल एम्परर अकबर कॉन्फर कांगड़ा एज अ जागीर इन 1572 AD, ठीक है। टोडरमर, बीरबल, मानसिंह या फिर नन ऑफ दी अबव, दोनों ही क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। तो आई होप कि जो मैंने आज आपको कुछ पॉइंट्स बताए आपको वो समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और अगर अभी आप न्यू हो हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको PDF चाहिए होता है सेशन का तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप हमें कॉल और मेल करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से आंसर बताइएगा दोनों क्वेश्चंस का, और थैंक यू सो मच।